तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भय के गुनहगारों को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी। जेल अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी पवन जलाद को फांसी देने के दिन से 3 दिन पहले 17 मार्च को तिहाड़ जेल आकर रिपोर्ट करने को कहा। उनके आने के बाद अधिकारी एक बार फिर डमी फांसी देकर टेस्टिंग करेंगे। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की कोर्ट ने चारों गुनहगारों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी देने का वारंट जारी किया था। दोषियों ने की परिजनों से मुलाकात। कानूनी विकल्पों के बचे होने के कारण फांसी की तारीख इससे पहले 3 बार टाली जा चुकी थी। मुकेश, पवन और विनय अपने अपने परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं। जेल अफसरों ने अक्षय के परिवार को फांसी से पहले अंतिम मुलाकात की तारीख के बारे में लिखा है। दोषियों के 13 परिजनों ने मांगी इच्छा मृत्यु। गुनहगारों के बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन व बच्चों सहित 13 परिजनों ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भेजकर अपने लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। चिट्ठी में कहा गया है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोकें, कि निर्भया जैसी दूसरी घटना ना हो और अदालत को ऐसा ना करना पड़े कि एक के स्थान पर 5 लोगों को फांसी देनी पड़े। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि ऐसा कोई पापी नहीं है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। 16 दिसंबर 2012 6 दोषियों ने निर्भय से दरिंदगी की थी। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्र से 16 दिसंबर 2012 की रात को 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों के कारण 26 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भय की मौत हो गई थी। घटना के 9 महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने 5 दोषियों राम सिंह, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। मार्च 2014 में हाईकोर्ट और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था। ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य दोषी नाबालिग होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट चुका है।